दोस्तों, नॉलेज फॉर इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपका फोन वाटरप्रूफ है, या तो आप कोई फोन ऐसा लेने जा रहे हैं जो कि वाटरप्रूफ रहे? तो दोस्तों, अगर आप ऐसा फोन लेने जा रहे हैं वाटरप्रूफ रहे, तो क्या वो 100% वाटरप्रूफ रहेगा, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप कोई भी फोन लेने जा रहे हैं या आपका आपके पास कोई भी मोबाइल है, पुराना मोबाइल, तो आप सबसे पहले उसका स्पेसिफिकेशन चेक कर लें, उसमें वाटरप्रूफ है कि नहीं वो फोन, मतलब उसमें वाटरप्रूफ वाली फैसिलिटी है कि नहीं। या तो आप कोई वाटरप्रूफ लेने जा रहे हैं तो उसमें कोई आईपी रेटिंग्स लिखी है, या उसमें वाटर रेसिस्टेंट लिखा हुआ है, और आईपी रेटिंग लिखी है तो कौन सी रेटिंग लिखी है, 67 है, 68 है। तो सबसे पहले तो आप स्पेसिफिकेशन चेक कर लें। और दोस्तों, मैं इधर ये मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो वाटरप्रूफ वाले जो फोन है, फिलहाल ये फोन जो है महंगे आते हैं। फ्लेक्सी फोन में फैसिलिटी है, या तो मैं यूं कह दूं कि कम से कम 20,000 से ऊपर वाले फोनों में ये जो फैसिलिटी है आती है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों, मिड रेंज में भी आने लगेगी, और मिड रेंज वाले फोन भी जो है हमारे वाटर प्रूफ या वाटर रेसिस्टेंस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप स्पेसिफिकेशन चेक करिए, अगर उसमें वाटर रेसिस्टेंस लिखा है मतलब वो वाटर प्रूफ नहीं है। दोस्तों, वाटर रेसिस्टेंस मतलब है कि, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए बारिश में जा रहे हो, बूंदाबांदी हो रही है, तो उस चीज़ से वो बच जाएगा, मतलब थोड़े बहुत पानी से, हल्के फुल्के पानी से वो बच जाएगा, क्योंकि उसमें एक प्रकार की ऐसी कोटिंग होती है जिस कारण उसके उस डिवाइस के अंदर पानी नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये तो मोबाइल की बात कर रहा हूँ, आप घड़ी तो पहनते होंगे, घड़ी में भी देखा होगा आपने वाटर रेसिस्टेंस लिखा होता है। वाटर रेसिस्टेंस मतलब ऐसा नहीं कि वो वाटर प्रूफ है, आप उसको पानी में डुबा दो, थोड़े बहुत पानी से बच सकती है वो चीज़, ठीक है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, वाटर रेसिस्टेंस, या उसमें वाटर रिपेलेंट भी लिखा होता है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर कोई रेटिंग्स लिखी है, इधर मैं बात करूं दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज की, है ना, आपका फोन तो ठीक है, अगर फोन के अलावा भी अगर कहीं पर रेटिंग्स लिखी है, जैसे आईपी रेटिंग्स लिखी हुई है, IP67 हो गया, IP68 हो गया, तो आईपी का मतलब होता है दोस्तों इनग्रेस प्रोटेक्शन। तो इनग्रेस प्रोटेक्शन से मतलब, इनग्रेस का मतलब ही दोस्तों होता है एंट्री, एंट्री मतलब प्रवेश, ठीक है। तो इनग्रेस प्रोटेक्शन हो गया, और ये जो है स्टैंडर्ड बनाए गए हैं IEC ने, और IEC का मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ठीक है, इन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी कंपनी का फोन है, मान लीजिए एक सैमसंग का S7, मान अपन S7 को ले लेते हैं, तो उसमें कंपनी बोलती है ये IP68 है, मतलब इसको रेटिंग दी है कंपनी ने IP68। अब 68 का मतलब क्या है दोस्तों, ये दो डिजिट है, और दोनों डिजिट का अलग अलग मतलब निकलता है। सिक्स जो है, पहला वर्ड जो सिक्स है वो सॉलिड से रिलेटेड है, और जो आखिरी का वर्ड है एट वो लिक्विड से रिलेटेड है, लिक्विड मतलब वाटर, और सॉलिड मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल से कोई भी सॉलिड चीज कह लेते हैं, और जो लिक्विड मतलब दोस्तों वाटर ही है। इधर पर वाटर के अलावा आप सोचें चाय हो गया, दूध हो गया, उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब ये पानी से ही बच सकता है। तो ये रेटिंग्स रहती हैं, 68 होता है, 67 होता है, 57 होता है, बहुत सारी रेटिंग्स दी गई हैं। आपको एक मैं इमेज दिखा देता हूँ, इस इमेज के थ्रू जो है आप दोस्तों समझ जाएंगे इन जो नंबर्स, जो रेटिंग्स हैं नंबर से क्या क्या मतलब निकलते हैं। तो अब मान लीजिए IP68 लिखा है किसी भी मोबाइल में, तो ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया है दोस्तों, सिक्स का मतलब होता है एकदम डस्ट टाइट, डस्ट टाइट मतलब उसमें कोई भी डस्ट नहीं जाएगी, और डस्ट के साथ साथ लाइट भी नहीं जाएगी, ठीक है। अब जो आखिरी का वर्ड है दोस्तों एट, 68 में से एट, तो एट तो लिक्विड से रिलेटेड हो गया, लिक्विड मतलब वाटर, तो इधर वाटर मतलब ऐसा है दोस्तों कि इसकी 3 मीटर पानी में, मतलब इसकी जो डेप्थ रहेगी 3 मीटर डेप्थ तक ये डिवाइस जा सकता है। जैसे आपका कोई भी मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल में कोई भी डिवाइस हो गया, है ना, तो वो 3 मीटर पानी तक जा सकता है, और 30 मिनट तक रह सकता है उसमें, है ना। तो ये 3 मीटर तक है दोस्तों, तो कंपनियां कई कई कंपनियों के स्पेसिफिकेशन मैंने बोला आप चेक करिए 1.5 मीटर तक देती हैं, वो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो मानक जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो 3 मीटर तक बनाए गए, 3 मीटर पानी में 30 मिनट तक वो आपकी वो जो भी डिवाइस है वो आपका रह सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कंपनी जो है कुछ बोलती नहीं है, 30 मिनट तक की कंपनी गारंटी देती है। उसके बाद आप 31वां मिनट हो, 35 मिनट हो जाए, 40 मिनट तक अगर पानी में रहता है तो उसका दोस्तों कंपनी कुछ नहीं बोलती है। तो अगर एक स्टैंडर्ड की बात करूँ दोस्तों, स्टैंडर्ड यही है। अब मान लीजिए अभी 68 की बात करी, अब मान लीजिए 67 लिखा हुआ है, मतलब आखिरी का वर्ड जो है दोस्तों चेंज हो गया है, तो सिक्स मतलब तो सॉलिड से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, तो वो डस्ट डस्ट प्रूफ रहेगी, लेकिन सेवन इधर आ गया, तो सेवन में जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो 1 मीटर डेप्थ रहेगी उसकी, 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक आपके डिवाइस रह सकता है। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है दोस्तों। अब यही हम ले लेते हैं 58 ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 58 लिखा है, आईपी रेटिंग लिखी है उसमें IP58,
तो 8 मतलब तो आप समझ गए दोस्तों, है ना, वाटर से रिलेटेड है, लेकिन जब तो 5 आ गया, ये डस्ट से सॉलिड से रिलेटेड है, तो 5 का मतलब ये भी डस्ट प्रूफ रहेगा, लेकिन टोटली 100% डस्ट प्रूफ नहीं रहेगा। इसमें अगर काफी मात्रा में डस्ट है और काफी फाइन पार्टिकल्स हैं डस्ट के, तो वो इसमें जा सकते हैं, किसमें, 5 में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इमेज के थ्रू तो समझ गए होंगे, नंबर्स आप और देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि नंबर से क्या क्या मतलब निकलते हैं। अब यही हम बात करते हैं जीरो की। अगर जीरो लिखा है तो जीरो मतलब कुछ भी नहीं है। 08 लिखा है मान लीजिए, तो जीरो मतलब 08 लिखा है, तो जीरो मतलब सॉलिड से रिलेटेड हो गया, तो कुछ भी नहीं है सॉलिड, है ना, ऐसा है। तो ऐसा हालांकि दोस्तों लिखा नहीं होता है। हाँ, ये जरूर मिल जाएगा आपको X8 लिखा मिल जाएगा, X8 या X7। तो ये X मतलब क्या होता है दोस्तों, वन। इधर जो X को वन माना गया है, मतलब X8 लिखा है तो 1 8 लिखा हुआ है, तो 1 हो गया, सॉलिड से रिलेटेड हो गया दोस्तों, और 8 मतलब आपको वाटर से रिलेटेड हो गया, है ना, लिक्विड से रिलेटेड हो गया। तो ऐसे इसके मतलब निकलते हैं, आप इमेज के थ्रू समझ गए होंगे दोस्तों, और आप देख लीजिएगा इमेज के थ्रू नंबर से क्या क्या निकलते हैं। तो ये दोनों वर्ड दो दो शब्द होते हैं दोस्तों, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं, IP68, 67, 57, ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इधर 100% कुछ भी नहीं है, कंपनियां जो स्टैंडर्ड बनाए हैं 30 मिनट तक के बनाए हैं, 30 मिनट के बाद की गारंटी नहीं है। कंपनी ये नहीं बोलती कि 30 मिनट के बाद क्या होगा, कंपनी सिर्फ 30 मिनट की गारंटी देती है। आप चाहे तो स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन में साफ लिखा होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों सोचने वाली एक चीज और है, मान लीजिए 30 मिनट तक तो ठीक है, 30 मिनट के बाद हमने अपना मान लीजिए कोई भी मोबाइल है उसको सुखा दिया, 2 मिनट बाद फिर से अगर आपने पानी में डाल दी तो क्या होगा, तो इस बारे में कंपनी कुछ नहीं कहती है। अच्छा, 24 घंटे बाद हम डालते हैं, मतलब एक दिन बाद, तो ऐसा कंपनी, मेरी ओपिनियन है दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं एक इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं। मान लीजिए कि आपका गलती से मोबाइल पानी में गिर गया, या तो बारिश में आपका पानी बारिश में पानी से भीग गया, तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। और कभी कभी आपको मान लीजिए आपको फोटो लेनी है और बारिश गिर रही है, या पानी के अंदर फोटो लेना है, तो उसके लिए बनाया गया है, मतलब कभी कभी चल जाएगा, लेकिन रेगुलर आप जो है उसको पानी में ही यूज करोगे दोस्तों, तो वो चीज खराब हो सकती है, उसकी जो पैकिंग है, जो जो भी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, वो चीज जो है उसकी खराब हो सकती है। तो मेरी ओपिनियन है ये कोई भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए, मतलब कभी भी कोई पानी में गिर जाए मोबाइल, या कोई भी डिवाइस हो आपका, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हो मोबाइल के अलावा भी, मान लीजिए घड़ी भी हो, तो एक स्टैंडर्ड उसके लिए बनाए जाते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा वाटर प्रूफ क्या है, वाटर रेसिस्टेंस क्या है, और ये आईपी रेटिंग्स क्या है। आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया, और जो आपने इमेज में नंबर देख रहे होंगे उससे आपको समझ में आ रहा होगा। तब भी दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स के थ्रू जो है आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, समझ में नहीं भी आया होगा तो आप कुछ भी दोस्तों अभी भी कहता हूँ कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से नए नए वीडियो में टेक्नोलॉजी हो गया या चाहे मेडिकल हो गया उससे रिलेटेड मैं लाते रहता हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।